हेलो एवरीवन, अपना वेलकम है अभिषा, सबका बहुत ज्यादा वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नया करें सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? बिल्कुल फॉलो करें हमें, प्लीज ऐसा शेयर कीजिए। आप शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की वीडियो में देखने वाले हैं, आपका दम से अल्लाह का दम है, क्यों ऐसे कर रहे हो? तो आज वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई, कल हमने एक पाकिस्तान का व्लॉग देखा था जिसमें वो ना सऊदी अरेबिया से गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में है, तो वहाँ पे उनके साथ यूं हुआ है कि वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ से वीजा हासिल करना था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, हम किसी को इस तरह से वीजा इशू नहीं करते, तो उनको वापस भेज दिया गया है वहीं से एयरपोर्ट से ही। ये आज चीज हम देखने वाले हैं भाई, पाकिस्तानी के साथ हुआ क्या। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए, ये फिर आ गया। कोशिश करते हैं कि कोई जल्द जिसको भी पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं, वो बंदा जो है ना काफ़ी आपको रिस्पेक्ट देता है यहाँ पे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने किसी भी कंट्री का अगर ट्रांजिट वीज़ा लेना होता है, ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली आपको अराइवल पे मिलता है। पाकिस्तान में वो अराइवल वीज़ा इंडिया में तो नहीं मिलता। जिसका डर था हुआ। नहीं भाई, प्रूफ नहीं किया। मैंने कहा हमारी पॉलिसी है कि हम जो है वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं देते पाकिस्तानी नेशंस को, तो बहुत कोशिश की कन्विंस करने की। बहुत सारी बात है, उनका भी एक सिस्टम है और रूल्स हैं, उनको फॉलो करने हैं। ये तो मेरा एक चांस था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिंग फ्लाइट मैंने डिलेड 24 की रखी थी, इनके अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, मैं चेंज कर लूँगा फ्लाइट, और अगर नहीं आता तो फिर कोई ना कोई फ्लाइट पकड़ के जो है वो चले जाएंगे। तो अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं फ्लाइट में, मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, और वो जो है इंशाल्लाह अब ये फिर आ गया। कोशिश करते हैं कि कोई जल्दी फ्लाइट मिल जाए, क्योंकि मैं 48 आवर्स यहाँ पे वेट नहीं कर सकता। तो कुछ चेंजेस वगैरह करके कोशिश करता हूँ कि कोई जल्दी फ्लाइट मिल जाए अगली डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर तो नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिल भी दुख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि नसीब में शायद नहीं था। तो अब मैं जो है वो गेट्स की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पे हॉल है, जो भी आगे फ्लाइट्स जो मतलब जाती हैं डिपार्ट करती हैं। अच्छा, जैसे ही आप हॉल पर इंटर करते हैं तो ये ड्यूटी फ्री एरिया यहाँ पे आ जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं अगर आप लेना चाहें यहाँ से, तो ये पूरा एरिया जो है सारा ड्यूटी फ्री का है। देखते हैं कुछ चीज़ यहाँ से पसंद आ गई तो ले लेंगे। यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह भी हैं, इंडिया तो नहीं गए लेकिन निशानी लेकर आ जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं यहाँ से, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने कहा जाते जाते एक निशानी अपने साथ ले जाते हैं। मेमोरी सही। इसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे? 410 रुपीज़। चलो ना, जितने भी प्राइस है इस पसंद आगे तो ले लेते हैं। तो मैग्नेट जो है खरीद लिया है, मैंने कहा चले कुछ ना कुछ यादगार तो हो अपने साथ, एंट्री अगर नहीं भी हुई तो क्या हुआ, लैंड तो हो ही है इंडिया में। तो अब जो है तलाश है मुझे चार्जर की, क्योंकि अगर मैंने अपना मोबाइल चार्ज नहीं किया तो ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अगर ब्लॉग कम्प्लीट नहीं हुआ तो फिर आपको अपडेट नहीं मिल सकेगी। ड्यूटी फ्री का जो एरिया है काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइज और काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग ऑप्शंस काफ़ी अच्छा है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो इतना अच्छा होगा, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा पुराना है लेकिन अंदर से वाकई में काफ़ी अच्छा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, अगर एंट्री मिल जाती तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन खैर चलें, अब जो है वो मोबाइल भी चार्ज करना है और फ़्लाइट भी ढूंढनी है कि अगर कोई जल्दी फ़्लाइट मिल जाए 3 से 4 घंटे की। फ़्लाइट कैच करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, और अब तो ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ करूँगा जहाँ पर आराम से वीज़ा और एंट्री मिल जाए आराम से। फाइनली एक ऑप्शन मिल गया है चार्जिंग का, तो फटाफट मोबाइल को जो है ना यहाँ से चार्ज करते हैं। कहानी जो है वो कुछ यूँ हुई है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, मैंने अप्लाई नहीं किया था, कोई मेरे पास स्टिकर वीज़ा नहीं था। एक कहीं भी आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो आप वहाँ पे वीज़ा लेके जाते हैं। अब मेरा ट्रांजिट वीज़ा था तो मेरा जो स्टे था वो 48 आवर्स का था। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने किसी भी कंट्री का अगर ट्रांजिट वीज़ा लेना होता है, ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली आपको अराइवल पे मिलता है। उसमें ये होता है कि आपकी डेस्टिनेशन कोई और होती है, बीच में आप कोई ऐसी कंट्री चूज़ करते हैं जिसमें आपको इंटर होना हो ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरी डेस्टिनेशन मैंने चूज़ की थी अलग, 48 आवर्स का स्टे था मेरा,
और उसमें मुझे अप्लाई करना था ट्रांज़िट। और यहाँ पे ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो हेल्प लेनी होती है वो किसी लोकल ट्रैवल एजेंसी की लेनी होती है। तो उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट कर ली थी, 48 आवर्स से मेरा स्टे था यहाँ पे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अप्रूव नहीं हो सका, उनकी पॉलिसी ऐसी थी। तो जिसकी वजह से जो है मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े हैं और मैंने जो है वो फ़्लाइट अभी चेंज करके बुक कर ली है। तकरीबन 3 घंटे में जो है यहाँ से डिपार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि अगली डेस्टिनेशन कौन सी है। अभी थोड़ा सा ज़रा सस्पेंस रखते हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आके। इतना भी टाइम गुजरा, आप लोगों से मिला, इज़्ज़त मतलब काफ़ी की, लोगों ने खुश हुए ये सुन के कि जो है पाकिस्तान से हैं आप। जिसको भी पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं वो बंदा जो है ना काफ़ी आपको रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ पे। और इवन जो अथॉरिटीज़ हैं मतलब उनका भी सलूक, उनका भी जो एक बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था। किसी भी जगह मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई रूट है मुझे, इवन के चेक पॉइंट्स के थ्रू भी मतलब मैं गया और जो अथॉरिटीज़ थी उनसे भी मिला, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो है वो कहीं मिस भी। बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब नसीब में नहीं था, आप क्या कर सकते हैं। तो ये तरीका अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पासपोर्ट पे मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर यहाँ पे। खैर आ तो गए हैं लेकिन आने वाले टाइम पे इंटर हो जाएंगे बाहर। एक चीज़ का ध्यान देना होता है आपको ट्रांज़िट वीज़ा में कि आपका कोई भी सामान चेक इन ना हो। अगर चेक इन सामान होता है ना तो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है, आप जिस जगह ट्रांज़िट कर रहे हैं वहाँ पर नहीं आता। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कहीं भी आप ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि सिर्फ और सिर्फ अपने पास हैंड कैरी रखें, ताकि इनकेस अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप वो लेकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। ये ना हो कि आपका फिर सामान वहाँ पहुँच जाए और फिर आप मतलब ये कि उसको चेंज कर सकते हैं फ़्लाइट को। काफ़ी तरीके हैं उसके, इस तरह मैंने चेंज करके पहले कर लिए। तो ये था अब तक का सफ़र। अब जो है वो गेट भी चेंज हो गया है, पहले 8A था, अभी 14 हो गया है। मैंने देखा बहुत बड़ा भाई एयरपोर्ट है। तो बस अब कुछ घंटों में जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तैयारी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, ये व्लॉग इसी जगह पे एंड कर देते हैं हम। थोड़ी सी ज़रा थोड़ा सा अफसरदा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये कि खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है वो मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखें, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जो अगली डेस्टिनेशन है मैं रिवील करूँगा, उसका व्लॉग देखेंगे आप। काफ़ी इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, काफ़ी व्लॉग्स आएंगे, काफ़ी ट्रैवलिंग है ये जो मेरा ट्रिप है मैंने प्लान किया है। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए हमारे मार्ग इजाज़त दें। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। यार मुझे सच में बहुत ही दुख हुआ, कैसे परेशान हो ज़रा, सच में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है कि वाकई में यार मंजिल पे जाकर भी इसको मंजिल नहीं। यार मंजिल पे पहुंच के बंदा एयरपोर्ट में जाकर बाहर ना निकल सके तो उससे बड़ा दुख कोई और दुख होगा। देखो पानी नजर आ रहा, पी नहीं रहा, पी नहीं सकते, नजर आ रहा सामने पड़ा लेकिन तुम उसको छू नहीं सकते, तुम उसको पी नहीं सकते, ऐसा मंजर उनके लिए बन गया हुआ था। सच्ची में मतलब उनको शायद इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई इंडिया जाना कोई आसान काम नहीं है। बोलते हैं कि पाकिस्तानी के लिए अमेरिका का वीजा हासिल करना इजी है, लेकिन इंडिया का वीजा हासिल करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है एक पाकिस्तानी के लिए। तो भाई क्यों ना दूसरे को यह बुरा समझते हैं, अम्मी वो हम लोग नहीं समझते, गवर्नमेंट वो नहीं मतलब चाहते कि तल्लुकात अच्छे हों, इस वजह से उन्होंने हाथ बढ़ाया था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम एक अच्छा मौका मिला था जब अफगानिस्तान की तरफ ट्रक भेजने थे, इन्होंने कहा था कि आप भी फायदा ले लो, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें फायदा चाहिए ही नहीं है। तो लोग बिल्कुल, तो क्या आप कर सकते हैं, इनको फायदा नहीं था चाहिए, लेकिन वो अब अपनी डेस्टिनेशन पे जाके बाहर नहीं निकल पाए। उनको उनके फेस से झलक रहा था कि उनको दुख बहुत ज्यादा है अंदर से, वो शो नहीं थे कर रहे लेकिन स्माइल के पीछे एक दुख नजर आ रहा था। वही मैं कल सोच रही थी कि यार इस बंदे को कैसे वीजा मिल गया है, और वो बोल रहे हैं ट्रांजिट वीजा, इंडिया तो ऐसा वीजा इशू करता ही नहीं है, पाकिस्तानियों को तो खास तौर पे नहीं करता, और भाई किसी और कंट्री अमेरिकन में करता, किसी और के लिए होता होगा आराम से आ जाते हैं। हाँ लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इंडिया का वीजा हासिल करना, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन भाई उनकी बैड लक कि वो बाहर नहीं, उनको ना ऐसा बताया गया था कि आप जाएंगे तो आपको ना वीजा इशू हो जाएगा, लेकिन उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी इस वजह से। लेकिन आपको अगर इंडिया जाना है ना तो आपको स्टिकर वीजा लेके फिर ही जाना पड़ेगा, या फिर आपकी बड़ी कोई वाकफियत हो ना
तो हो सकता है कि आपको कोई एक दिन के लिए बाहर कोई जाने दे, जैसे उन्होंने बोला कि 48 घंटे थे तो 48 घंटे के लिए बाहर जाने देते, लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो पाया। शायद उनके नसीबों में नहीं था लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि वो दोबारा से इस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छा लगा, एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें थी। हमारा एयरपोर्ट पे कोई ऐसी ब्रांडेड शॉप्स वगैरह नहीं बनी, लोकल शॉप्स बने हुए हैं और उस पर बड़ी ही महंगी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांड की शॉप्स देखी, ऐसा लग रहा था भाई जैसे एक शॉपिंग मॉल नहीं होता, वैसा लग रहा था कि नहीं आपको? इतना बड़ा था ये, बड़ा। क्या आपने यहाँ पे कभी देखा इतना बड़ा? हाँ मैं कहाँ देखना, लोअर का लाहौर का भाई एयरपोर्ट को इतना खास नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मुझे लगता था कि भाई एयरपोर्ट लाहौर का दुनिया का सबसे बेहतरीन। हाँ भाई ना पता नहीं था ना, इस वजह से ऐसा लगता था, लेकिन जब अब देख लिया तो अब बहुत पिद्दा सा लगता है, दूसरे एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो दिल्ली का एयरपोर्ट देखकर पाकिस्तानी को अच्छा लगा, चलो वहाँ पे लैंड तो हो गए हैं। ये इस चीज एयरपोर्ट और कुछ नहीं, लोगों के और लोगों का बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा था। ये चीज हमें उन्होंने बोला कि किसी ने भी मुझसे मतलब रूडली बात नहीं की, बहुत प्यार से पोलाइटली बात की है। ये चीज बड़ी मैटर करती है जब आप खासतौर पर पाकिस्तानी हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई। और बुरा भी लग रहा है कि भाई वो नहीं जा पाए बाहर। आपको क्या लगता है भाई कि ऐसा होना चाहिए कि जो है हमारे मतलब वीजा इस तरह से खुल जाए ताकि मुश्किल ना हो, ना आपको ना हमें हो, हम दोनों को के लिए इजी हो जाए और जो लोग आना जाना चाहते हैं वो आए जाए और जो है व्लॉग्स बनाए और प्यार दिखाएं आप भी और हम भी। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलते हैं।